वेलकम टू माय चैनल हेलो फ्रेंड्स। आज मैं गोभी के पराठा बनाने की विधि बताऊंगी जो खाने में टेस्टी है, डिलीशियस है, स्पाइसी है। एक बार ट्राई करके देखिए बनाकर। चैनल को लाइक करें, चैनल में नए हैं सब्सक्राइब करें। गोभी को छोटे टुकड़े में कट करेंगे, फ्रेश से धोएंगे और गोभी को कद्दूकस करेंगे। गोभी को हमने फ्रेश से धो लिया है और कद्दूकस कर लिया है। 5 चम्मच सरसों का तेल है जो गर्म हो चुका है। बारीक कटा हुआ प्याज है, 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे। प्याज को 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई हो गया है, कद्दूकस किया हुआ गोभी डालेंगे। और मिक्स करेंगे। गोभी को फ्राई करेंगे और दो चीजें चलाते रहेंगे। गोभी को 10 मिनट तक फ्राई किए हैं। नमक स्वाद अनुसार। गोभी को नमक के साथ मिक्स करेंगे। वन टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून गोलकी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर मिक्स करेंगे। गोभी को मसाले के साथ फ्राई करेंगे। मीडियम आंच में बीच बीच में चलाते रहेंगे। डेढ़ केजी गोभी है कद्दूकस किया हुआ। गोभी को सॉफ्ट होने तक फ्राई करिए। गोभी को मसाले के साथ फ्राई कर लिए हैं। गोभी को मसाले के साथ 15 मिनट तक फ्राई किए हैं। मीडियम आंच में चार चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, मिक्स करेंगे।
गोभी को हरा धनिया के साथ 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। गोभी को हरा धनिया के साथ 2 मिनट तक फ्राई कर लिए हैं। गोभी का स्टफिंग रेडी हो गया है। गैस को ऑफ करेंगे। गोभी का स्टफिंग को प्लेट में रख दिए हैं, ठंडा होने देंगे। गोभी का स्टफिंग ठंडा हो गया है। आटा को हमने गूंद लिया है। लोई से पेड़ा बनाएंगे। लोई से पेड़ा बना लिए हैं। आटा डालकर कटोरी बनाएंगे। कटोरी बना लिए हैं। गोभी का स्टफिंग को भरेंगे। गोभी का स्टफिंग भर लिए हैं। अब थोड़ा थोड़ा आटा डालकर गिलेंगे। थोड़ा थोड़ा आटा डालकर गिलेंगे। गोभी का पराठा बेल लिए हैं। बेले हुए पराठे को थाली में रखेंगे। लोई से पेड़ा बना लेंगे। लोई से पेड़ा बना लिए हैं। कटोरी बनाएंगे। कटोरी बना लिए हैं। गोभी का स्टफिंग से फिलिंग करेंगे। गोभी का स्टफिंग से फिलिंग करेंगे। फिलिंग कर लिए हैं। थोड़ा थोड़ा आटा डालकर बेलेंगे। गोभी का पराठा बेल लिए हैं। थाली में रखेंगे। तवा गर्म हो गया है। पराठे को तवा में डालेंगे। पराठे को तवा में डाल दिए हैं। पराठे को पलटेंगे। पराठा में घी लगाएंगे। पराठे को पलटेंगे। उलट पलट कर दोनों ओर से सेकेंगे। पराठे को उलट पलट कर दोनों ओर से सेकेंगे। प्लेट में रखेंगे। पराठे को तवा में डालेंगे। पराठे को पलटेंगे। पराठे में घी डालेंगे। पराठे को घुमा घुमा कर सेकेंगे। पराठे को मीडियम आंच पे उलट पलट कर दोनों ओर से सेकेंगे। पराठे को पलटेंगे। पराठे को पलटेंगे। पराठे दोनों ओर से पक चुके हैं। पराठे को पलटेंगे। पराठे में ये डालेंगे। पराठे को घुमा घुमा कर उलट पलट कर पलटेंगे। पराठे को पलटेंगे। पराठा दोनों ओर से पक चुका है। प्लेट में रखेंगे।